हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, कर्नाटक बैंक की ओर से सितंबर क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, अनऑडिटेड रिजल्ट आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल एंडेड का स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड हम लोग कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स जो दिए गए हैं लाख करोड़ में नंबर्स दिए गए हैं, और इनकम है इस बार का अगर देखा जाए तो कंपनी जो इनकम जनरेट किया है अगर देखा जाए तो इस बार का इनकम है अराउंड 2504 करोड़ का इनकम है। लास्ट क्वार्टर में 2557 करोड़ का, लास्ट ईयर में 2276 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन होने का रीजन क्या है, इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट इस बार अर्न हुआ है बहुत कम 2234 करोड़ का। और अगर हम बात करेंगे एक्सपेंसिस का तो कंपनी का एक्सपेंस 2043 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 1998 करोड़ का, और लास्ट ईयर में 1754 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा है जबकि इनकम में डाउन था, ईयर ऑन के एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा किया गया है। और कंपनी का एक्सपेंस जो हुआ है इस बार का यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी का जो एक्सपेंसेस है इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस बहुत ज्यादा किया है, मतलब कि नेट इंटरेस्ट NII जो है बहुत ज्यादा जो है इस बार डाउन होता हुआ देखने को मिल सकता है। और जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो कि अगर देखा जाए तो 460.5 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 558.6 करोड़ का, लास्ट ईयर में 522 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिला क्योंकि एक्सपेंस बहुत ज्यादा किया गया है। प्रोविजन 31.3 रुपीज का पे करना पड़ा है, लास्ट क्वार्टर में 40 करोड़ का, लास्ट ईयर में 119.8 करोड़ का पे करना पड़ा। ईयर ऑन ईयर में प्रोविजन बहुत कम पे करना पड़ा इसलिए प्रॉफिट में रिकवर किया है। आफ्टर टैक्स कंपनी का प्रॉफिट है 377.6 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 336.2 करोड़ का प्रॉफिट है, लास्ट क्वार्टर में 400.4 करोड़ का, लास्ट ईयर में 330 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो डाउन है, ईयर ऑन ईयर में रिकवर करने की कोशिश की है। और ईपीएस कंपनी का 8.88 रुपीज का, लास्ट क्वार्टर में 10.57 रुपीज का, लास्ट ईयर में 10.5 रुपीज का ईपीएस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए 3.21% का, नेट एनपीए 1.46% का इस बार का, लास्ट क्वार्टर में 3.54% का जीएनपीए और नेट एनपीए 1.66% का, लास्ट ईयर में 3.47% का जो ग्रॉस एनपीए, 1.36% का नेट एनपीए है। जो कि इस बार एनपीए भी अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे रिड्यूस करता हुआ देखने को मिला है, लेकिन ग्रॉस एनपीए में इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर में, जबकि नेट एनपीए रिड्यूस करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसलिए इस कंपनी का रिजल्ट जो आया है ना कोई खास रिजल्ट पेश नहीं गया, प्रॉफिट में थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, और इसका इंपैक्ट कंपनी के शेयर में पड़ सकता है। और 215.8 रुपीज पे शेयर ट्रेड कर रहा है, 0.8% का प्रॉफिट है, 5 डे में 5.5% का लॉस है, 1 मंथ में 10% का लॉस है, और 6 मंथ्स में अगर देखा तो 4% का लॉस है। कंपनी सपोर्ट लिया था 22 अक्टूबर को, अब देखना यह कि कल कैसा परफॉर्म करता है। कल अगर निगेटिव ओपन होता है तो कंपनी वापस से जो है 214 का अगर नीचे ओपन होता है कंपनी बहुत बड़ी सपोर्ट ले सकता है, अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छी बाउंस बैक कर सकता है। तो हम लोग वीडियो को प्रिंट करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।